नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। राधामोहन अग्रवाल और संजय बांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जबकि सीटी रवि और डी पुरंदेश्वरी को हटाया गया। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस महाराष्ट्र के बुलढाणा में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 लोग जख्मी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज देर रात 12:53 बजे अंडमान द्वीप समूह में रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 से 8 लोग मुगलू जिले से हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। मुंबई में यूनियन के नेता दत्ता सावंत हत्याकांड मामले में आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन को बरी कर दिया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस जोड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोनी सब टीवी का सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 15 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इन 15 सालों में जेठालाल और उनकी गोकुलधाम सोसाइटी ने ऑडियंस को खूब हंसाया। एंड्रॉइड की वर्जन 1.0 से वर्जन 13 तक की जर्नी काफी मजेदार रही। कंपनी ने एक या दो नहीं बल्कि ऐसे कई वर्जन उतारे जिनके नाम स्वीट डिश के नाम पर रखे गए हैं। ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।